भारत बनाम वेस्ट इंडीज सीरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अचानक बदलेगा टीम इंडिया का कप्तान। ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। जाने के खिलाड़ी को मिलेगा मौका। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रही वीडियो लास्ट तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद अब टीम इंडिया को सीधे 12 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलनी है, जहां से 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। भारत का वेस्ट इंडीज दौरा 12 जुलाई से शुरू होगा जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। टीम इंडिया को 12 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अचानक टीम इंडिया का कप्तान बदलेगा। रोहित शर्मा को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में आराम दिया जा सकता है। ऐसे में टीम इंडिया में वापसी करने वाले अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सकता है। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को आराम दिया जा सकता है। अजिंक्य रहाणे ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने दोनों पारी में मिलाकर 135 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 से पहले आराम दिया जा सकता है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, अजिंक्य रहाणे कप्तान, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट। सो दोस्तों, आपके अनुसार ये सीरीज कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।